हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं एन प्रॉब्लम पी, कोई हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई होगी, प्रॉब्लम पी, इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एंड जी, जी हमारे पास कंस्टेंट है, फॉर ऑल जी आर लीनियर, देन द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और अगर ये हमारे पास एफ एंड जी लीनियर नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो जो प्रॉब्लम होगी वो नॉन लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम होगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास दो आए हैं, दो बड़ा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड हमने जो जी को बोला वो कंस्टेंट, ये क्या होते हैं? अब ये देखते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन द फंक्शन विच हैव द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑप्टिमाइज, जो हमारे पास फंक्शन ऑप्टिमाइज किया जाता है इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा जिसको हमें मिनिमम पूछा होगा या मैक्सिमम पूछा होगा वो फंक्शन होगा हमारे पास, वो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स, जो भी हमारे पास कंडीशंस दी होंगी, जिस तरह से कोई एलपीपी है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दिया होगा हमारे पास सी टी एक्स, ये तो हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और साथ में हमारे पास कुछ कंडीशन दी होंगी, जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो, या जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या जी जे एक्स इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन दी होंगी। जो वो कंडीशन होंगी वो होंगे हमारे पास कंस्ट्रक्ट। द रजिस्ट्रेशन ऑन द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स जो हमारे पास कंडीशन दी होंगी, जी आई आई बराबर 1 to m इज कॉल्ड कंस्टेंट। अब फिर हमारे पास आता है फेजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, कोई एक सेट होता है जिसमें एक्स ऐसे ऐसे पॉइंट कह सकते हैं, या ऐसे सेट में ऐसे पॉइंट होंगे जो कि हमारे पास आर एन से होंगे, और जी जे एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी जी जे एक्स जे में जो भी हमारे पास कंडीशन दी होंगी। ये फिर हमने एक उसके लिए ले लिया कि जी जे एक्स जे थी वो सारी कंडीशन लेस देन इक्वल टू जीरो थी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली होंगी तो जी जे एक्स जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो भी कंडीशन होंगी उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब जो भी हमारे पास जी जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास कंस्टेंट जी जे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो वो वाली कंडीशन होगी, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट होंगे वो हमारे पास फेजिबल रीजन कहलाएंगे, देन एस इज कॉल्ड द फेजिबल रीजन। इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एंड नॉट इक्वल टू जीरो, विच ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल पॉइंट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यानी कि कोई भी हमारे पास जो पॉइंट होगा, जो कि इसका पॉइंट होगा, एस का पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा ऑप्टिमल पॉइंट, और जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ऑप्टिमल वैल्यू, या ऑप्टिमल जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट, जो प्रॉब्लम पी होगी उसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी, और सेकंड होगा नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। इन प्रॉब्लम पी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एंड जी फॉर ऑल जी आर लीनियर देन द प्रॉब्लम पी इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल पी पी। कोई हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा हमारे पास, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहीं से वो या तो मैक्सिमम में दिया होगा या मिनिमम में दिया होगा, और आर एच एस ऑफ आल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन होगी। अब ये ले हमें ये एक्स बराबर बी, तो जो बी में जो भी कंस्टेंट होंगे, बी में जो भी कंस्टेंट होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, आल वेरिएबल यानी कि जो एक्स वन एक्स टू जो भी वेरिएबल होंगे हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। आल कंस्टेंट आर एन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वलिटीज होंगी उसको हमें इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद जो फॉर्म आएगी हमारे पास वो आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल पी पी। अब हम किसी एल पी पी को चेंज करके देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, और जो कंस्टेंट है वो दिया हुआ है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन,
टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स हमारे पास इसको हमें फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म हमें निकालनी है इसकी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी पहली जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन मे बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है फ्रेंड्स वो या तो मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन है वो मैक्सिमम है अपने पास जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू। और अगली कंडीशन है फ्रेंड्स वो हमारे पास आर एच एस ऑफ ऑल कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम देखते हैं आर एच एस ऑफ ऑल कंस्टेंट देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं माइनस फोर ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाना होगा। तो पहले ये तो पॉजिटिव ही है तो ये होगा एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन एंड टू, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना लेते हैं तो हो जाएगा माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू, क्यों साइन चेंज हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब अगली जो कंडीशन है हमारे पास आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव, आल वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अब हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास नॉन नेगेटिव नहीं है ये नेगेटिव आ रहा है। तो एक्स टू को हमें नेगेटिव बनाने के लिए एक्स टू डैश हमारे पास डिफाइन कर देते हैं, लेट एक्स टू डैश इक्वल टू माइनस एक्स टू ये है। तो हमारे पास ये माइनस एक्स टू डैश बराबर माइनस एक्स टू है तो इसमें इस कंडीशन से होगा एक्स टू डैश, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो एक्स टू क्या है हमारे पास नेगेटिव, माइनस एक्स टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जहाँ पर भी एक्स टू है वहाँ पर एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डैश से रिप्लेस कर देना है। तो ये करेंगे हम मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट है वो हो जाएंगे टू एक्स वन सॉरी एक्स वन ये एक्स टू माइनस एक्स टू डैश से हो जाएगा तो माइनस एक्स टू डैश लेस देन इक्वल टू वन और टू एक्स वन प्लस एक्स टू तो टू एक्स वन और ये एक्स टू प्लस एक्स टू हो जाएगा ये माइनस एक्स टू डैश लेस देन इक्वल टू फोर। ये हो गया तो और हो गया हमारे पास एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास थर्ड कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा ली इसके लिए। अब फोर्थ कंडीशन है वो हमारे पास आल कंसिस्टेंट आर एन इक्वेशन। अब हमें इन जो कंसिस्टेंट है इनको इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल जोड़ने होंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है तो सरप्लस वेरिएबल जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश। अब स्लैक वेरिएबल यहाँ पे हम एस वन जोड़ेंगे यहाँ पे एस टू जोड़ेंगे, स्लैक वेरिएबल जो जोड़ रहे हैं वो एस वन है एंड एस टू है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होगा वो होगा जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू। फ्रेंड्स स्लैक वेरिएबल इस तरह से जोड़ते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो इसके लिए हमें जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको और सब्जेक्ट टू कंडीशन हो जाएंगे हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस एस वन इक्वल टू वन एंड एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस एस टू इक्वल टू फोर एंड जो भी स्लैक वेरिएबल हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स टू डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एस वन एंड एस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है इसकी।